May I have your attention, please? Jodhpur se chalkar Rai Bareli, Amethi, Pratapgarh ke raaste Varanasi ko jaane wali gaadi sankhya 14866 ke aane ka sanket. हमारा नाम है बाबा विजय आनंद और हमारा साधुवे जीवन भी है। साधु का मतलब होता है समाज सुधारक, वो समाज को सुधारे वो साधु है, और नाटक करे तो वो साधु नहीं, वो अकाल मौत मरेगा, फिर रोगा हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, खोपड़े का बाल उड़ जाएगा, हैं ठीक से चल नहीं पाएगा, तो भजन क्या करेगा। ये हिमालय साइड में जब आप देखेंगे तो वहाँ से वरुणा निकल रही है, और दक्षिण साइड में देखेंगे तो वहाँ से अस्सी नदी निकल रही है। तो वरुणा और अस्सी, ये दोनों को संस्कृत में नाम आ गया वाराणसी, वरुणा और अस्सी धन वाराणसी। जितने भी दुनिया के साधु हैं वो हिमालय पर भी क्यों नहीं बैठा हो, अगर वो जबले काशी में नहीं आएगा उसकी मुक्ति हो ही नहीं। आपके भी घर में कोई मर जाएगा तो प्रथम पिंड आपको काशी में पारना है, उसके बाद आप गया जाओगे, और काशी में नहीं पारे तो कोई लागू नहीं होता है। जैसे जितने लैंड हैं, आयरलैंड, क्वेयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सबका प्रेसिड लैंड यहाँ का बाबा का शिवलैंड है, और इसी पे तबला बजाओ, चाहे सनाई फूको, चाहे संघ फूको, चाहे मजीरा बजाओ, आना यही है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, चारों संप्रदाय का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही है, साधुओं का भी, उनका हेड ऑफिस काशी है, और हर जगह ब्रांच है, हिमालय में भी ब्रांचें होगा, ऋषिकेश में भी ब्रांच, हेड ऑफिस नहीं होता, हेड ऑफिस प्रमाणित यही काशी करेगा। यहाँ तो हर आदमी आएगा खुश होकर जाता है, इतने आते हैं कि मैं मर जाए मेरी मुक्ति हो जाए, हैं मगर रोग बहुत है, ठीक हो गए फिर उनको माया चल जाता, फिर भाग जाते हैं अपने घर, वहीं जाके मर जाते हैं। अरे मरने के लिए यहाँ आए और स्वस्थ हो गए तो फिर भागे, फिर माया के चक्कर में गए। एक ठो एक चीज को लाने के लिए उसके बाप भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, सब अल्लाह भी बन जा रहे हैं, हैं ला रहे हैं एक ही ठो चीज, मगर उस चीज़ को लाने में देखो कितने आदमी रक्षक में जा रहे हैं। अपनी लड़की की शादी करोगे ना तो उसको लेने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, वो लेने नहीं उसकी रक्षा में वो लोग आ रहे हैं।
हेलो, मेरा नाम टाल, मैं इज़राइल से हूँ. मैं बनारस में 3 महीना था. I'm doing this painting for my it's my interpretation for Varanasi. In the beginning, I had a different sketch I wanted to make, but stuff that I've been going through here, made me to change my maybe point of view about India and about Varanasi, and this what is coming. After 3 months in Varanasi. It's my third time in Varanasi. First time was before 5 years, and the other was before 2 years, and now it's my third time, and I don't have a specific reason that I can think why I'm coming to Varanasi, but something here is just like a magnet for me in this city. And it's give me a lot of inspiration, this city. Even if I don't have all the time, easygoing times here, I get a lot from this beautiful city. In my personal experience and opinion, Varanasi is something that, wow, so many people that I know, I would love that they will experience this city to get some proportion on life and to see how beautiful it is. Every day when you go out to the street in Varanasi, it's like to be in a movie, kind of. Yeah, you can never know what's going to happen to you when you go out to the street in Varanasi. It's crazy. जो यहाँ आरती किया जाता है, 5 आरती किया जाती है दशा समेत घाट में, क्योंकि ये पंचा भौतिक शरीर है जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है, इसलिए वहाँ 5 आरती की महिमा ये है. कृपया ध्यान दें, माँ गंगा की आरती में आए हुए सभी श्रद्धालुओं और भक्तों से निवेदन है कि आप गंगा आरती के दौरान अपने साइड पॉकेट, मनी पर्स, कैमरा, मोबाइल इत्यादि का विशेष करके ध्यान दें. पंखा इसलिए शुद्ध माना जाता है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जानवर हो, बच्चा पैदा करने के लिए मैथुनिक सृष्टि करता है. तो मोर ऐसा चीज है कि जो झरना से झरा हुआ जो पानी है उसके बहाव में जाता है और वहाँ स्नान करता है. वो स्नान करने के बाद उसका आँख से आंसू वहाँ निकल दिए, उसी को उस आंसू को जो भाले और पोती स्त्री और पुरुष जो होता है उसी तरह उन्हें एक आपस में वो आंसू
भक्षण करते हैं, इसी से उन लोग का गर्भाधान हो जाता है, इसी से बच्चा होते हैं, इसलिए मैथुनिक सृष्टि नहीं है। देश विदेश से लोग बनारस आते तब गंगा जी के किनारे में बोट से जो भ्रमण करते, नौका विहार करते, और मन में घर में कितना भी परिस्थिति टेंशन ऐसा परिस्थिति आता है वो अत्यंत दुखित होता है। लेकिन बनारस में आकर जो सुबह प्रातःकालीन घाट में एक अकेले बैठता है तो उसको सारा जो दुख हो कष्ट हो वो सब भूल जाता है और शांति का अनुभूति करता है। शिव जो हैं तारक मंत्र देते हैं, प्राणी जो मरता है वो मरने वाले के कान में वो तारक मंत्र देकर उसको मुक्त कर देते हैं, इसीलिए मुक्ति की नगरी काशी मानी। मेरा नाम अमर कुमार नाथ है। हम यहाँ से जनरेशन टू जनरेशन रह रहे हैं। हमारा उम्र 25 साल है। जो अघोरी लोग होते हैं जो ब्लैक कपड़ा पहनते हैं आपको बहुत तरीके से मिलेंगे। यदि आप श्मशान पे जाएंगे तो जहाँ लाश जलता है वहाँ पर आप हम कोई भी देख सकते हैं, लेकिन बता कैसे सकते हैं कि ये अघोरी है, ये कौन है और क्या है। अघोरी वो होते हैं जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं, वो पूरा मल मूत्रा जितना अंदगी गंदगी है सब खाते हैं। फ्रॉम दैट मोमेंट फ्रॉम 6 मंथ्स देर अघोरी, अदरवाइज यू देखते हैं ब्लैक ड्रेस दीदी देर फेक। जस्ट ट्राई टू मेक यू, ये आपको कहानी बताएंगे और कहानी बताने के बाद और आपको कहेंगे ये करो वो करो, आपके घर में ये है वो है ये वो है। नहीं, यू नो द रियल बाबा नेवर वांट पीपल कैन शूट मी इन ए कैमरा, व्हेन यू शूट यू कैच हिज पावर, राइट? सो दैट्स व्हाई रियल बाबा नेवर वांट पिक्चर। यू कैन ड्रो दैट्स ओके, बट कैमरा रियल बाबा कभी नहीं खिंचवाएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं, क्योंकि जानता है कि मेरा पावर खींच के लेके जा रहा है। क्योंकि वो भजन में है, वो कीर्तन करते हैं, भगवान के लीन में रहते हैं। अब उनको आप खींच लेंगे ना तो उसके फ्लैश से लाइट से उसका सोल जो है पूरा सेपरेट कर उसको खंडित कर देगा, मतलब उसका जो महीनों हजारों साल जो तपस्या है खत्म हो जाएगा।
हमारा नाम जमील अहमद है और उसके हमें लोग आलू चावल के नाम से जानते हैं ज़्यादा। और ये साड़ी बनाने में जो है 15 रोज लगता है। यहाँ का जो दिशा पानी है और रंग बाद जो होता है पूरे शहर पूरे इंडिया में कहीं कोई भी बनाओगे तो अच्छा नहीं होगा। देखने के लिए जो है बहुत लोग आते हैं कि कैसे बनती है साड़ी, किस तरह बनती है, किस तरह डिजाइन बनती है। और इसमें जो है दिन भर कारगर जो मजदूरा रहते हैं दिन भर लगे रहते हैं सुबह से लेकर संध्या तक है और पूरा परिवार इसमें लगता है तब जाकर साड़ी तैयार होती है। काशी तीन लोग से प्यारी, गंगा बहती प्यारी प्यारी, घोर धरा क्या हाथ उठाता सबको अपने पास बुलाता। हम तो बुला रहा हूँ, काशी तीन लोग से न्यारी, गंगा बहती प्यारी प्यारी, घोर धरा क्या हाथ उठाता सबको अपने पास बुलाता। जिंदे में नहीं आओगे तो मुर्दे में आओगे, तुम्हारी राख आई है, तुम्हारी मट्टी आई है, आओ ना। Shiva, 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 Shivaya, Shiva, 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 Shivaya, Shiva, 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 Shivaya, Shiva, 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 Shi